हे गाइस, दिस इज़ मोनिका, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ स्पेक्टिकल लेंसेज के बारे में, जो आपके चश्मे के लेंसेज हैं। तो कई बार जब आप चश्मा बनवाने जाते हो तो आपको पूछा जाता है कि आपको कैसे लेंस लगवाने हैं, एंटी ग्लेयर लेंस बनवाने हैं या हार्ड कोट लेंस बनवाने हैं। तो उसमें मैं आज आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि आपको कब कौन से लेंस लगवाने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि दोनों लेंसेज में डिफरेंस क्या होता है। बेसिक डिफरेंस जो दोनों लेंसेज में होता है वो ये होता है, जब आपका लेंस बनता है सबसे पहले तो उस पर कुछ कोटिंग्स की जाती हैं। आपका फ्रेश लेंस बना और उस पर सबसे पहली जो कोटिंग होती है वो हार्ड कोट होती है, वो आपके लेंस को स्क्रैच से प्रिवेंट करती है। उसके बाद जो कोटिंग होती है उसकी क्लैरिटी को इनहेंस करने के लिए होती है, वो होती है ARC कोटिंग या एंटी ग्लेयर कोटिंग या HMC कोटिंग, जो भी हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ARC, HMC या एंटी ग्लेयर। लोकल लैंग्वेज में हम इसको एंटी ग्लेयर ही बोलते हैं। तो एंटी ग्लेयर कोटिंग जो आपकी होती है वो आपके लेंस की क्लैरिटी को एनहेंस करने के लिए होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दोनों को आप पहचानोगे कैसे, कि कौन सा लेंस एंटी ग्लेयर है, कौन सा लेंस आपका हार्ड कोट है। तो ये मेरे हाथ में एक लेंस है, इसमें जब मैं लाइट का रिफ्लेक्शन देखती हूँ तो वो ग्रीन कलर का आ रहा है, तो ये आपका एंटी ग्लेयर लेंस है। अब मैं एक और लेंस आपको दिखाती हूँ, ये इसमें मैं लाइट का रिफ्लेक्शन देखती हूँ तो ये वाइट कलर का है, इसमें कोई कलर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, एज़ कम्पेयर टू इसमें आपकी ग्रीन कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है अगर मैं इसको घुमाती हूँ तो। अच्छा, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि जो हार्ड कोट लेंस आपके होते हैं उसमें सिर्फ वाइट कलर का रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, और जो आपके एंटी ग्लेयर लेंसेज होते हैं उसमें आपको दो तीन कलर्स आते हैं, जैसे ग्रीन कलर जो मैंने अभी दिखाया, एक ब्लू कलर भी आता है और एक मजेंटा कलर भी आता है, एक हल्का सा पर्पल कलर भी आता है। तो ये दो तीन कलर्स होते हैं जो आपके लेंसेज में आते हैं। अगर लाइट कलर्ड रिफ्लेक्शन, जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो कलर्ड है, तो दैट मीन आपका लेंस एंटी ग्लेयर है। और इनकेस लाइट का रिफ्लेक्शन वाइट है तो दैट मीन आपका लेंस हार्ड कोट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सा लेंस लगवाना चाहिए। सबसे पहले मैं बच्चों की बात करती हूँ। इनकेस बच्चों के चश्मे में जो लेंस लगवाते हैं हम, वो नॉर्मल हार्ड कोट लेंस आपको लगवाने चाहिए, क्योंकि जो हार्ड कोट लेंस होता है वो स्क्रैचेस से अच्छा प्रिवेंट करता है आपके लेंस को कंपेयर टू एंटी ग्लेयर लेंस। एंटी ग्लेयर लेंस की जो कोटिंग होती है उसमें स्क्रैचेस आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू हार्ड कोट लेंस। तो बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चों का यूज़ बहुत रफ होता है, तो उनके लिए आपको हार्ड कोट लेंसेज पे जाना चाहिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा लाइक लाइट का होता है, जैसे सर उन्हें बाहर भी निकलना है और ड्राइव वगैरह भी करना है, नाइट ड्राइव करना है, उनके लिए एंटी ग्लेयर लेंसेज आपको चूज़ करने चाहिए, बिकॉज जो एंटी ग्लेयर लेंसेज होते हैं उसमें रिफ्लेक्शंस कम आते हैं। और अगर जैसे इसमें एक मिथ भी होता है, जैसे कई लोगों को लगता है कि जो PC पे आप बैठ रहे हो या कंप्यूटर का आप काम कुछ कर रहे हो तो उसके लिए आपको एंटी ग्लेयर लेंसेज अच्छा प्रिवेंट करते हैं, या कई लोगों को लगता है कि जैसे हम नेक ड्राई के साथ कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो हमें एंटी ग्लेयर लेंस का चश्मा लगाना चाहिए प्लेन के साथ, जिनको पावर नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी हार्मफुल रेस से आपको प्रिवेंट नहीं करता। एंटी ग्लेयर कोटिंग का जो काम होता है वो सिर्फ इतना होता है कि आपके लेंस को और क्लियर करना, नेचुरल जितना क्लियर करना। उसके लिए एक अलग से लेंसेज आते हैं, अगर आपको कंप्यूटर के लिए लेंसेज लेने हैं तो वो अलग से एक लेंसेज आते हैं, ब्लू कट लेंसेज। तो ब्लू कट लेंसेज के बारे में मैं किसी और दिन आपको एक्सप्लेन करूँगी, अभी फ़िलहाल मैं इसी के बारे में बात करती हूँ। अच्छा, उसके बाद बात आती है जैसे जो एक कॉमन प्रॉब्लम दोनों लेंसेज में आती है, जैसे कई लोग पहले से हार्ड कोट लेंसेज पहन रहे होते हैं तो उनको मेरे हिसाब से हार्ड कोट पे ही रहना चाहिए, बिकॉज उनको क्या लगता है जैसे लेंस की क्लैरिटी बहुत हाई होती है, उस पर स्मज ज़्यादा आ रहा है, जबकि आता तो हार्ड कोट पे भी है बट उसमें दिखाई कम देता है। जो आपका एंटी क्लियर लेंस है उसमें साफ पता लगता है, ज़रा सा भी कुछ लगा है आपके लेंस पे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि लेंस आपका गंदा है। बट अगर हार्ड कोट लेंस पे थोड़ा बहुत कुछ लगा है तो उतना दिखाई नहीं देता, तो उनको हार्ड कोट में ही रहना चाहिए। और अगर आप स्विच करना चाहते हो एंटी क्लियर लेंसेज के लिए, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि वो थोड़ा गंदे लगेंगे, तो आपको उनको ज़्यादा साफ रखना पड़ेगा, एकदम क्लीन रखना पड़ेगा। तो ये तो बात थी एंटी क्लियर और हार्ड कोट लेंसेज की। नेक्स्ट टॉपिक में आई होप ब्लू कट लेंसेज के बारे में डिस्कस करूँगी। सो दिस वॉज माई टॉपिक फॉर टुडे, टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।